पीएम मोदी ने दी राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई, कहा सशक्त भारत चाहते थे सरदार पटेल। सरदार पटेल की जयंती आज, गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। पुंछ में मुठभेड़ के कारण बंद था पुंछ राजौरी राजमार्ग, 20 दिन बाद आवागमन शुरू। हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित, सरकार ने जारी किए आदेश। कोरोना की चपेट में आई फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, पॉजिटिव आई टेस्ट रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। देहरादून में चक्राता स्थित बायला गांव में एक यूटिलिटी वाहन के खाई में गिर गई। इस हादसे के करीब 13 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल घटना में मरने वालों की संख्या को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन व पुलिस की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई है। इस संबंध में भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अपने फेसबुक में पोस्ट डालकर दुर्घटना की जानकारी दी। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो खाई में गिरी है यूटिलिटी वाहन, जहां घटना में मरने वालों की संख्या को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन व पुलिस की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई है और इस संबंध में भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अपने फेसबुक में पोस्ट डालकर दुर्घटना की जानकारी दी है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बस खाई में गिरी है, वहां पे तमाम लोग मौजूद हैं। रेस्क्यू टीम अभी भी लगातार जांच कर रही है। वहां पे अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग उसमें हताहत हुए हैं। फिलहाल 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। अभी भी तलाश जारी है, अभी मानक अभी तय नहीं हुए हैं कितने लोगों को हानि पहुंची है इस हादसे में। भाजपा के विधायक ने फेसबुक पर इसकी वीडियो डालकर इस घटना की जानकारी दी थी। अभी बस हादसे में 13 लोगों के मौत की आशंका बताई जा रही है। भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अपने फेसबुक में पोस्ट डालकर दुर्घटना की जानकारी दी थी, जिसके चलते वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची है, जिसमें उनकी अभी भी लगातार तलाश जारी है। कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों के मरने की खबर है, इस पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल अभी संशय बना हुआ है, अभी सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि जहां तक है शायद 13 लोगों के मौत हुई है, 4 लोगों के घायल होने की सूचना भी बताई जा रही है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वहां के पास मौजूद तमाम ग्रामीण वहां पे मौजूद हैं घटना स्थल पर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां हादसे में 13 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। खाई में गिरी है यूटिलिटी वाहन, जिसमें तमाम लोग मौजूद थे, और बस में खाई में गिरने से 13 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है और 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विनोद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की घटना है वहां पर और कितने लोगों के हताहत होने की बात कही जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह चक्राता तहसील क्षेत्र से इस क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस दर्दनाक हादसे ने लोगों का दिल दहला दिया है।
चकराता तहसील स्थित बायला गांव से सवारी भरकर यूटिलिटी वाहन पिंगवा मोटर मार्ग पर करीब 300 मीटर खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि यूटिलिटी में लगभग जो है 15 लोग सवार थे, जिसमें अभी बताया जा रहा है कि 12 लोगों की जो है घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। बाकी घायलों को चकराता स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया है। बचाव और राहत कार्य जारी है। अभी पता लगाया जा रहा है कि जो यूटिलिटी में जो कुल सवारी कितनी थी, इस घटना स्थल की जानकारी ली जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि कच्ची सड़क होने के कारण, ओवरलोड होने के कारण ये घटना घटित हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।